अब आप सभी साथियों को, बिजनेस कम्युनिटी को आगे बढ़कर इस अपॉर्चुनिटी का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाना है। साथियों, भारत के हर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में अमेरिकी ड्रीम को और मजबूती देने की क्षमता है। आप कल्पना कर सकते हैं, आज भारत इंफ्रास्ट्रक्चर पर रिकॉर्ड 125 बिलियन डॉलर से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट कर रहा है। भारत की इस ग्रोथ स्टोरी में अमेरिका के लिए, आप लोगों के लिए असीम संभावनाएं हैं। आपके लिए ये फर्स्ट एंड फास्ट मूवर एडवांटेज लेने का ये समय है। साथियों, बीते 3 दिनों में मेरी प्रेसिडेंट बाइडेन से, यानी एक प्रकार से 3 दिन हमें साथ बिताने का अवसर मिला है। बहुत ही ऐतिहासिक मसलों पर बातचीत हुई है। इन मुलाकातों में भारत अमेरिका के भविष्य को लेकर ठोस बातें हुई हैं। हमने एक स्पष्ट रणनीति पर चलना तय किया है। आज व्हाइट हाउस में हुआ टेक्नोलॉजी हैंडशेक भी दोनों देशों की कंपनियों को, बिजनेस को, मैन्युफैक्चरर्स को, इनोवेटर्स को सीधा संदेश है, दिस इज द मोमेंट। दिस इज द मोमेंट। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू। भारत अमेरिका की सरकारों ने आपके लिए ग्राउंड वर्क कर दिया है। खेत जोतने का काम हमने कर दिया है। इसमें जो जरूरी होगा वो हम आगे भी करते रहेंगे, लेकिन अब इस ग्राउंड पर खुलकर खेलने और खिलने की जिम्मेदारी आपकी है। और जो खेलेगा वो ही खिलेगा। मुझे विश्वास है आप कोई मौका नहीं छोड़ेंगे, इस अवसर का पूरा लाभ उठाएंगे। और मैं आपको इस बात का भरोसा देता हूं कि आपको भारत में एक बेहतर माहौल मिलेगा, बेहतर अवसर मिलेगा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हमारी सरकार का कमिटमेंट है। साथियों, इतिहास साक्षी है कि जब जब भारत मजबूत हुआ है तब तब पूरी दुनिया का लाभ हुआ है। 100 साल के सबसे बड़े संकट काल में, इस पैंडेमिक में भी हमने यही देखा है। जब दुनिया को दवाइयों की जरूरत थी, भारत ने अपना प्रोडक्शन बढ़ाकर 150 से ज्यादा देशों को दवाइयां भेजी। और वो समय याद कीजिए, घर से बाहर निकलने के लिए भी दुनिया डरती थी। तब दुनिया के 150 देशों को दवाइयां भेजी थी। जब दुनिया को कोरोना वैक्सीन की जरूरत थी, भारत ने अपना प्रोडक्शन बढ़ाकर 100 से ज्यादा देशों को वैक्सीन पहुंचाई थी। हमारा दिल बड़ा है। विश्व शांति के प्रति हम
हमारा कमिटमेंट उससे भी बड़ा है। साथियों, आप इस बात के भी साक्षी हैं कि कोरोना वैश्विक महामारी ने ग्लोबल साइकोलॉजी को कितना नुकसान पहुंचाया है। हर कोई एक दूसरे पर शक कर रहा है। हर देश सोच रहा है कि मुझे जब जरूरत होगी तो कौन सा देश मेरा साथ देगा। यानी कोरोना ने शरीर के साथ ही मन पर भी गहरा आघात किया है और हमें इस बात को कम नहीं आंकना चाहिए। शंका आशंका के इस दौर में भारत अपने हजारों वर्ष के डेमोक्रेटिक वैल्यूज के साथ आगे बढ़ा है, दुनिया के साथ खड़ा है। साथियों, भारत के पास आने वाले समय की एक और चुनौती का सबसे बड़ा समाधान है। ये चुनौती है एजिंग की। हम इससे इनकार नहीं कर सकते कि एजिंग से सिर्फ मैन पावर ही प्रभावित नहीं होती, बल्कि ये कंजम्पशन, प्रोडक्शन और इनोवेशन को भी प्रभावित करती है। आज भारत दुनिया का सबसे युवा देश है। दुनिया का सबसे बड़ा युवा टैलेंट पूल भारत के पास है। दुनिया की सबसे बड़ी स्किल और प्रोफेशनल फोर्स भारत के पास है। इसलिए जो भी देश इस समय भारत से जुड़ेगा उसका उतना ही फायदा होगा। साथियों, आप जानकर के खुशी होगी भारत कितनी तेज गति से आगे बढ़ रहा है। स्पीड स्केल, आज भारत में हर सप्ताह एक नई यूनिवर्सिटी बन रही है। आज भारत में हर तीसरे दिन एक अटल टिंकरिंग लैब खोली जा रही है। आज भारत में हर दो दिन में एक नए कॉलेज बन रहा है। आज भारत में हर दिन एक नई आईटीआई की स्थापना हो रही है। आज भारत में हर साल एक नया आईआईटी और एक नया आईआईएम बन रहा है। इन संस्थानों से निकला टैलेंट आज पूरी मानवता की भलाई के लिए काम कर रहा है। आज दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में, फॉर्च्यून 500 कंपनियों में भारतीय हमें अहम भूमिका में नजर आते हैं। और इस हॉल में भी बहुत से ऐसे महानुभाव मौजूद हैं। मुझे विश्वास है भारत अमरीकी साझा ड्रीम, भारत अमरीकी साझा डिटर्मिनेशन 21वीं सदी में दुनिया की डेस्टिनी बदलने का सामर्थ्य रखता है। मैं आपको भारत की इस विकास यात्रा में एक साथ आगे बढ़ने के लिए फिर एक बार आमंत्रित करता हूं। लेट अस कम टुगेदर फॉर अ बेटर वर्ल्ड, बेटर फ्यूचर। लेट अस ग्रो विथ इंडिया। और मैंने एक बार लाल किले से कहा था मेरे भाषण में, और मैंने कहा था यही समय है, सही समय है। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।